हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ऑनियन का अचार। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऑनियन को इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेना है। फिर पीसेस कट करने के बाद इसको इस तरह से हाथों से थोड़ा सा ऑनियन को छुट्टा पड़ लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ग्रीन मिर्ची लेनी है, उसको साफ पानी से धो लेना है, फिर साफ कपड़े से पोंछ लेना है। इसके बाद ग्रीन मिर्ची के ऊपर के हिस्से को भी इसी तरह से आपको भी कट कर लेना है, ठीक है। फिर जो ग्रीन मिर्ची है ना, उसके भी इस तरह से दो टुकड़े कर लेना है। दो टुकड़े करने के बाद इसके वापस से इस तरह से दो पीस कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जिस तरह से मैं करते जा रही हूँ ना गाइस, उसी तरह से आपको भी कट कर लेना है। इसके बाद एक बाउल ले लेंगे और उसमें डाल देंगे ऑनियन और ग्रीन मिर्ची। फिर यहाँ पे जो आप तड़के के लिए बर्तन यूज करते होंगे ना, वो ले लेना है, उसके अंदर डाल देना है ऑयल। जब ऑयल एकदम अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, तो गैस को कर लेना है बंद। इसके अंदर डाल देना है राई, जीरा, वलियाली, साथ में डाल देंगे थोड़ी सी कलौंजी। फिर इसके अंदर डाल देना है नमक, साथ में अंदर डाल देंगे इसके रेड चिली पाउडर, ठीक है। फिर इसको 2 से 3 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर जब ठंडा हो जाएगा ना, तो ये तड़का पूरा अंदर डाल देंगे ऑनियन के अंदर, अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा लेमन जूस। फिर अच्छे से इसको वापस से मिला लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस, कितना झटपट, कितना इंस्टेंट ये हमारा ऑनियन का अचार बनकर रेडी हो गया है। तो इसको रोटी के साथ सर्व करें और एंजॉय करें। जब भी आपको घर में कोई सब्जी बनी और आपको सब्जी पसंद नहीं आएगी ना, तो आप ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। सच में बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो एक बार आप भी जरूर ट्राई करना ये वाली रेसिपी, आपको सच में बहुत ही पसंद आएगी। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। और ऐसी ही रेसिपी वीडियो के लिए मुझे फॉलो करें। तो इस तरह से आप ऑनियन का अचार एक बार बनाओगे ना, तो सच में बार बार बनाओगे, इतना टेस्टी बनता है। तो मेरे कहने पर एक बार इस तरह से आप बना कर तो देखिए और फिर मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस, कितना कलरफुल और कितना टेस्टी ये ऑनियन का अचार बनकर रेडी हो गया। तो यहाँ पर मैंने इसको रोटी के साथ सर्व किया, एंजॉय किया, ठीक है। थैंक यू।